सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। फिर मैं अपने दोस्त जो प्रोड्यूसर है राहुल मिश्रा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सब्जेक्ट था मेरा सरकारी दूल्हा, जो मैंने बहुत दिनों से प्लान कर रहा था। मैंने इनको सुनाया, इनको पसंद आया तो ये बहुत खुश हुए। इन्होंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो हम लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट है सरकारी। क्या है सर, किस फिल्म में क्या? ये एक पारिवारिक फिल्म है, त्रिकोणीय प्रेम कहानी है। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भोजपुरी में हम थोड़ा सा हटके कुछ बनाना चाह रहे थे। जैसा कि भोजपुरी में जो फिल्म बनती हैं, जो कल्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, उससे हम थोड़ा सा हटके एक परिवार के लिए साफ़ सुथरी फिल्म बनाना चाह रहे हैं। कोशिश वही है, कहानी अच्छी है। कहानी के लेखक शशि रंजन द्विवेदी जो यहाँ पर हैं अभी, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहो तो फिल्म अच्छी ही बनेगी। एक है वजह सब्जेक्ट में, कुछ थोड़ा ट्विस्ट है। एक समाज में एक भ्रांति है, एक जब आप किसी लड़की की शादी करते हैं परिवार में, तो उसके माँ बाप का एक सपना होता है कि लड़का जो है जो सरकारी में हो ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर जब आप इंटीरियर में जाते हैं, आप गांव की तरफ जाते हैं, आप लोग सिक्योरिटी देखते हैं लड़की की, कि हाँ सरकार में है, सरकारी है तो उसकी लाइफ सिक्योर है। सरकारी नौकरी एक्चुअली, तो उसके हिसाब से मैंने देखा और थोड़ा सा उस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ऐसी हो। तो जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। कास्ट की बात कास्ट करना हो चुका है या फिर नहीं? चल रही है बात, अभी दो तीन लोगों से चल रही है, मैं जल्दी ही आपको अनाउंस करवा दूंगा। नमस्कार, प्रणाम, नेहा प्रकाश की तरफ से। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत यूनिक टाइटल है ना, सरकारी दुल्हा, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। और हम दो दिन पहले मिले हैं और सर ने मुझे स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा नहीं कि मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा कि वी आर बडी। सो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राहुल मिश्रा जी का और विशाल सर का। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस फिल्म में, मुझे इस काबिल समझा कि आपने फिल्म में कास्ट किया। सो थैंक यू सो मच। विशाल जी, कब फ्लोर पे जा रही है, क्या प्लान है? प्लान तो अभी अप्रैल लास्ट तक ही है। यूपी में शूट करने का प्लान है, सारी चीज़ें हैं, और गाने हम लोग मार्च लास्ट तक रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अभी प्लानिंग में है, थोड़ा स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो जाए, थोड़ा वर्कआउट बचा हुआ है करने के लिए। एक बार मेरे पास बाउंडेड स्क्रिप्ट फाइनल आ जाती है, देन वी कैन स्टार्ट। जी राहुल सर, क्या कहेंगे सर, आप दो फिल्म में कमाल हुआ है। सर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे पास ये दो स्क्रिप्ट आया और दोनों मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली हम भोजपुरी में पहले असिस्ट कर चुके हैं, बट आज तक ऐसा स्क्रिप्ट मुझे मतलब नहीं मिला देखने को। जो भी आया मतलब बल्गर ही, क्योंकि हम फैमिली के साथ, आज तक कोई भी भोजपुरी फिल्म नहीं है जो हम फैमिली के साथ देख सके। ये दोनों फिल्म ऐसा है जो अपने हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और विशाल जी आए मेरे पास स्क्रिप्ट लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी बीच में हमारे धनंजय जी भी आए, तो हम दोनों फिल्म एक साथ लेके जा रहे हैं। दोनों का साथ में फ्लोर पे जाएगी या फिर क्या प्लान्स क्या है? साथ में ही जाएगा, दोनों एक ही साथ लेके जाएंगे। सोचा है माइंड में कि नागाबंदी में कौन होगा या सरकारी दुल्हन में दूल्हा कौन होगा? अभी आपको बताया जाएगा, थोड़ा सस्पेंस है। थोड़ा सस्पेंस रखिए आप लोग, अभी सब खुलवा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। नमस्कार सर सभी को, आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पे। सबसे पहले फिल्म में बताने से पहले तो ये है कि एक जो टाइम फेस किया सभी ने, एक कोरोना का, उसके बाद जो हम लोग फिर से दोबारा खड़े हुए हैं और एज ए प्रोड्यूसर ये खड़े हो रहे हैं, जबकि आज के डेट में देखा जा रहा है कि थिएटर्स के बिजनेस सब डाउन है, सब कुछ बंद है, और ऑडियो वीडियो सेटेलाइट इनके भरोसे हम लोग सारा काम करने जा रहे हैं, और इसमें खड़े होना और एक साथ दो दो फिल्मों को लेकर जाना बहुत बड़ी बात। इसके लिए राहुल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेज की हम कोशिश करेंगे इनके साथ बहुत अच्छा काम करने के लिए। और रही बात फिल्म के बारे में अगर बात करें, तो जैसा कि नाकाबंदी नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, बट इसमें दिखाने की ये कोशिश की जाएगी कि नाकाबंदी एक जो वर्ड है जिससे जहन में एक चीज आती है कि अगर इधर से हम निकले और नाकाबंदी हुई है वहाँ पे, तो शायद हम वहाँ से कोई क्राइम नहीं कर सकते या कोई भी ऐसा अनलीगल पासिंग वहाँ से नहीं कर सकते। बट आज के डेट में वो सबसे सेफर साइड हो गया है क्राइम करने के लिए, क्योंकि सबको पता चलता है कि हाँ नाकाबंदी है, कोई दिक्कत नहीं, कौन से नाके पे है, अगले चौराहे पे, वहाँ 100 रुपये में होगा, उसके आगे वहाँ 1000 लगेगा अगर ये सामान लेके जाएंगे तो वो सारी चीज़ें, और समाज में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ले के क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं नाकाबंदी, खास करके जो नाइट ट्रेवलिंग में जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, टोल टैक्सेस
जो नहीं पे करते या टोल के नाम पे कई बार लूट होती है, और उससे कैसे एक आम पब्लिक या आम फैमिली जो उससे सफ़र कर जाती है उस चीज को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म के साथ है, और आगे आगे जब भी हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा रिवील करेंगे, शूट पर रिवील करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट के लेकर सारी चीज़ें देखते हैं कैसा बनता है। हाँ कुछ नाम सोचे हैं, लेकिन अभी हम लोग नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि दो तीन एक्टर अपने माइंड में चल रहे हैं, और बट कई कॉन्सेप्ट के हिसाब से कभी लगता है कि हाँ ये अच्छा है ये ओके, बट अभी लॉक नहीं किया उसको, जैसे लॉक करेंगे फिर हम अनाउंस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे न्यूज़, क्योंकि सबसे पहले आपको ही न्यूज़ जाएगी, आपको नहीं जाएगी तो लोगों तक पहुँचेगी। जी बोलिए सर।